परदेश जब आपके पास आया, वाज दैट द थॉट बिहाइंड पिकिंग दिस कैरेक्टर? देयर इज ऑल्सो अ स्टोरी बिहाइंड परदेस. श्योर, टाइम ही टाइम है जी, आप स्टोरियां सुनाएं, हम सुन रहे हैं. तो परदेस मैं एक और सिग्मा का प्रोजेक्ट साइन करने गई थी एंड मरीना जी वाज देयर. उसका भी नाम नहीं लेंगे आप जो और साइन करने नहीं नहीं क्योंकि वो अब शूट हो रहा है और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस उसमें काम कर रही है. तो आई वॉन्ट तो वो आपने फिर क्यों नहीं किया? हाँ, वो क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि अब मैं कुछ और कर रही हूँ ना उसकी जगह. अच्छा अच्छा तो परदेस तब शूट हो रहा था और द फर्स्ट स्पेल जो आप देख रहे हैं ना परदेस का, जिसमें सहमत और शाइस्ता थी, 60s 70s वाला, वो हो गया हुआ था. अच्छा, वो ऑलरेडी शूट हो चुका था. वो शूट हो गया हुआ और आप इसकी कास्टिंग ही नहीं हुई थी? मैं भड़ास कर रही थी जब परदेश शूट होना शुरू हो गया. इंटरेस्टिंग. एंड दे वर लाइक सनदीप लाइक व्हाट इज द कैरेक्टर आई वांट टू ऑफर यू एंड ही इज लाइक इट्स इन परदेश. सो आई वाज लाइक कोई वो का छोटा मोटा भी कुछ, मुझे तो यही पता था कि शाइस्ता इज ही इज लाइक इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर. इट्स ऑब्वियसली मेनली जे सारी कहानी बताई एंड लाइक जस्ट गो थ्रू द वन लाइनर एंड एवरीथिंग. फॉर मी द फैक्ट दैट मरीना जी वाज डायरेक्टिंग इट वाज अ बिग पुल बिकॉज़ मरीना जी इज द फर्स्ट फ्रेंड आई हैव इन द इंडस्ट्री बिकॉज वो मेरी अम्मा बनी थी दिलरुबा में. और जितनी मैंने उनसे बातें की हैं ना और जितना उन्होंने मुझे कहा है और जितनी उन्होंने मेरी तस्वीरें डायरेक्टर्स और लोगों को भेजी हैं कि दिस गर्ल मतलब सो फॉर मी मरीना जी डायरेक्टिंग इज उसके बाद तो कुछ था ही नहीं. बट फिर भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जो दो सीन्स मैंने पढ़ के फ़ौरन मैसेज कर दिया आई एम डूइंग दिस वॉज द सीन दैट यू आई आप लोगों ने अब देख लिया होगा वॉज ऑफ मी एंड सरमद. So Sarmad in itself is an institute and I always want to work with him. So wo scene jab maine padha aur maine dekha ki wo bachchi ki kya evolution hai aur wo end kya hoga uska, maine wo do scenes padhe aur maine aakhri char scenes padhe and I was like I am doing this because it's going to help me show a trauma of a child. So aise kirdaron ki akasi karna I think bahut zaruri hota hai. Hum kya karte hain, we just show somebody, हमें उसकी बैक स्टोरी वगैरह कुछ नहीं पता होती, हम बस दिखाते हैं अच्छा ये हुआ था, हम बातों से बता देते हैं, डायलॉग से बता देते हैं. एमन एक ऐसा किरदार था जिसकी आप लोग सब ने जर्नी देखी है. सो आई न्यू दैट बाय द टाइम दैट आई एंटर द फ्रेम ऑडियंस इज ऑलरेडी गोइंग टू रिलेट टू एमन एंड द स्ट्रगल्स दैट शी वेंट थ्रू. तो आई वॉज एंड परदेस वॉज एन इंस्टेंट यस डिस्पाइट द फैक्ट दैट उस टाइम आई हैड गेन्ड सो मच वेट बिकॉज मैं बस खा रही थी और मैंने कहा अभी तो मैं ऑफ सीजन हूँ ना. And I was like, चलो बस कर लेते हैं, it's okay, let's just do it. But the fact कि हमें एमन के बारे में पता था और हम उस किरदार से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ये आपके लिए एज अ परफॉर्मर एडवांटेजेस था या ये प्रेशर ज्यादा आपके ऊपर आ गया था? अच्छा, ये दोनों था बिकॉज एज एन एक्टर आई न्यू वट एमन वॉज, हाउ एमन वेंट थ्रू वट शी डिड, वाई शी वेंट थ्रू, सो इट वॉज ईजी फॉर मी टू परफॉर्म बिकॉज मेरे पास बहुत 10 एपिसोड्स थे पढ़ने को कि एमन क्यों ऐसी है जो अब मैंने परफॉर्म करना है. और एज एन ऑडियंस इट वाज अ डिसएडवांटेज फॉर मी बिकॉज मे बी आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म व्हाट द लिटिल एमन डिड और मे बी आई विल नॉट हैव दैट इन माय आईज व्हाट शी हैड बिकॉज इट्स एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले विद योर आईज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट थिंग इन योर आईज. If you're just performing, if you're just saying your lines and you don't have it in your eyes, this is what I've seen or this is what I've been taught that it should be in your eyes. So already aapne 10 episodes mein kisi aisi bachchi ko dekha hua tha jisne itna khoobsurat play kiya. Uff, to I was like, main wo kaise perform karungi? To wo pressure mere upar bahut tha. But I think pressure mein kabhi kabhi aap achhi cheezein kar lete hain. आपकी परफॉर्मेंस बड़ी नेचुरल है. जब भी हम एमन को देखते हैं एंड लिटिल ईमान जिन्होंने वो प्ले किया था, वो ऐसे ही लगता है कि यार अगर एमन बड़ी हुई होगी तो वो ऐसी ही बड़ी हुई होगी और वो इसी तरह ही रिएक्ट और एक्ट करती होगी. तो वो बड़ी एक नेचुरल प्रोग्रेशन बनी है उस कैरेक्टर की, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक्स टू मरीना जी बिकॉज शी न्यू वट एमन वॉज. जब मैंने सेट पे पहले दिन गई थी, मैंने सिर्फ 10 एपिसोड्स पढ़ी हुई थी, मैंने कोई सीन देखा नहीं हुआ था लिटिल एमन का, मुझे भी नहीं पता था कौन प्ले कर रहा है. बट मरीना जी न्यू एवरीथिंग, सो शी टोल्ड मी. मरीना जी और मेरी कोई डिस्कशन नहीं हुई इस करेक्टर के बारे में. मैं पहले दिन सेट पे गई और ऑलवेज द प्रोडक्शन एंड द टीम वॉन्ट्स यू टू लुक लाइक अ हीरोइन, दे वॉन्ट लाइक दैट मेकअप एंड दे वॉन्ट लाइक दोज हेयर एंड एवरीथिंग. एंड मरीना जी एंड मी द
the best thing about working with Marina ji is like we're always on the same page. We wanted Eamon to be natural. We wanted her to not have any makeup on. We wanted her to be as natural, as human as possible. As simple as possible. As human, I feel, because somebody going through a trauma as Eamon did will not wake up every day ironing her hair or, you know, putting a blush or something like that. Or putting lenses for that matter, which is a big shock to me, but I didn't wear it. So I think this is how, it's always a teamwork that works. Eamon ne ibad se shaadi ka faisla kyun kiya tha? Eamon, I think it's always jab aap kisi aisi situation mein hote hain na, jitna bhi aap let go kare wo friendships jo aap normal life mein kar rahe ho, jab aap ek pressure mein ho na to do something for your family and आपको पता हो एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा दोस्त है, बिकॉज Eamon के लिए तो बात एक दोस्त ही था. Eamon एंड बात वो नेवर डेटिंग. और Eamon मोहब्बत भी नहीं करती थी बस. Eamon हैड नो फीलिंग्स. Eamon इज द काइंड ऑफ अ करेक्टर जिसके लिए मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. उसको अपने आई सपोज अब तो होगी मोहब्बत, अब तो मतलब माशाल्लाह. कौन से एपिसोड में है वो माँ बनने वाली? हाँ, अब तो जरूरी है, अब हो गई मोहब्बत, ठीक है. तो अब हाँ, तो उसको अपने बाप से मोहब्बत इजहार करने में इतना वो ब्रेक करने में टाइम लगा, तो इबाद तो वो समबडी हु इज अ फ्रेंड टू हर. तो आई थिंक Eamon ने इबाद से शादी का फैसला सिर्फ इसीलिए किया कि उसको लगा कि उससे बेहतर चॉइस कोई नहीं है. और वो जो एक ट्रॉमा Eamon के साथ एसोसिएट है जिसकी वजह से मैंने ये कहानी की है, वो ये है कि शी डिडंट वांटेड टू हैव अ लाइफ लाइक ज़ुबैदा. अपनी माँ जैसी जिंदगी नहीं चाहती. तो जैसे शी हर्ड दैट समबडी इज गोइंग अब्रॉड, her parents want her to marry, she was like, no, that's a no-no for me. Because wo uski zindagi ka sabse bada trauma hai. Eamon ke liye isse bada koi trauma nahi hai to live a life apart from a husband, a father. So she can never take with that trauma. I think Eamon jaisa kirdaar hai, agar usse kisi se mohabbat bhi hoti na aur usse pata hota ki usne bahar chale jana hai, to wo, she would have backed off. Lekin ye baat to ab keh rahe hain, maine England jana hai. Ab, bhai to, ab story ka turn hi yahi hai. Now this is what and why I signed for this. Now this is something that I have high hopes from. This is something that I pulled off, tried to pull off as sheer as I could have. Kyunki ye wo kahani hai jo main dikhana chahti thi audience ko. Ab jo hoga, ab hoga from this episode on Monday on, but I can't. Kyunki ab ye chalega Tuesday ko na interview. Ye chalega Tuesday ko, but Monday ko do kisten aa chuki hongi. But main aapko bhi kyun spoiler do? फिर वो आपका वो जो एकदम से इंस्टेंट रिव्यू आता है ना, वो नहीं आएगा. अच्छा, हाँ, मुझे लग रहा है, ठीक है. तो आई थिंक मंडे ऑनवर्ड्स जो आप लोग देखेंगे, अब एपिसोड ऑनवर्ड इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ Eamon, इट इज व्हाट परदेश इज अबाउट. तो अब वो जो सारा अर्थ है ना ड्रैग हो रहा है थोड़ा, जो कि मुझे भी लग रहा था हो रहा है, बट आई थोड़ा नहीं काफी, मतलब पिछले, बट अभी कितनी और किस्तें रह गई हैं इसकी? आई थिंक कोई 5-6-7 क्यों, हफ्ते में दो बार आता है, तो that would be three more weeks then. Three, four more weeks, I think. Four more weeks. So, अब आप कह रही हैं कि यहाँ से take off कर जाएगा वापस. This is Pardesh now. This is now the story of Pardesh. This is the actual story. This is the actual story. This is why जो आपने वो 50 plot lines introduce कराई हुई हैं बीच में, अब आप कह रही हैं कि अब हम असल मकसद की तरफ जा रहे हैं. जितना टाइम आपने हमारा के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो आपको इंटरेस्टेड स्टोरी में, ठीक है. तो एज ए राइटर तो मैं बिल्कुल नहीं लिख सकती, लेकिन मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों की अगर कहानी दिखाएं तो उससे आपको बड़ा सब्सटेंस और वो एक वैल्यू मिलती है स्टोरी में. बट आई नो समटाइम्स ऑडियंस वांट टू रिलेट टू जस्ट टू कैरेक्टर्स और जस्ट फोकस टू देम, बट हमारी ऑडियंस ऐसे चैनल बदलती है. तो आई थिंक वो प्रोडक्शन हाउस भी कुछ सोच के कुछ लिख रहा होता है, उनकी भी पूरा एक साइंस चल रही होती है. एज अ व्यूअर आपकी क्या असेसमेंट रही है अब तक परदेश की? आई लव शीमा एंड बेहजाद पार्ट. आई थिंक मुझे बहुत मजा आता है वो देखने में. मुझे शीमा और बेहजाद के पार्ट, उफ, मुझे इतना मजा आता है. मुझे वो प्ले करते हुए बेहजाद के साथ इतना मजा आया, और मुझे लगता है शीमा और बेहजाद का कुछ हो ना हो, शीमा और बेहजाद को जरूर होना चाहिए था. अभी आप देखेंगे, इट्स सो मच फन. उन्होंने आपके किरदार की जिंदगी सबसे ज्यादा अजीरन करके रखी हुई है. बट आई एम टॉकिंग एज अ व्यूअर, आई एम टॉकिंग समबडी हु रियली प्रेज बोथ ऑफ देम एज एक्टर्स. हु डिड यू हैव द मोस्ट फन विद ऑन सेट? एवरीबॉडी. अच्छा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड दैट कोई भी मैं सेट पर जाती हूँ,
मेरी इतनी अच्छी दोस्तियाँ हो जाती हैं और मेरे इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हम इतना मज़ा करते हैं सेट पे, बट द एंटायर फैमिली लाइक एक तो सरमद मी एंड शाइस्ता वो वाले ग्रुप में वी हैड सो मच फन.